नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में बीते कई दिनों से लोगों द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ट्विटर पर लगातार सीबीआई फॉर सुशांत हैशटैग चलाए जा रहे हैं। वहीं बिहार में अभिनेता के गृहनगर की मेयर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। आपको बताते चले कि पूर्णिया में सुशांत के गृहनगर की मेयर सविता देवी ने एक निजी चैनल से बातचीत में ये कहा कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर एक सड़क का उद्घाटन भी किया गया है। शनिवार को ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लोगों ने पूर्णिया में एक गोल चक्कर का नाम सुशांत सिंह राजपूत चौक के रूप में रखा। मेयर सविता देवी ने बताया कि पूर्णिया नगर निगम ने गोल चक्कर और सड़क जो मधुबनी से माता स्थान तक जाती है उसका नाम परिवर्तन करने की मंजूरी दे दी है, और उन्होंने 9 जुलाई को दोनों का उद्घाटन भी किया था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर पूर्णिया के DSA मैदान का नाम बदलने और सुशांत सिंह राजपूत की एक प्रतिमा के बारे में जो खबरें हैं वो गलत हैं। गोलचक्कर, जिसे पहले फोर्ड कंपनी चौक के नाम से जाना जाता था, अब उसे सुशांत सिंह राजपूत चौक का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि 34 साल के सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई के बांद्रा स्थित घर पर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी। वो पंखे से लटक कर पाए गए थे। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि उनकी मौत एस्फिक्सिया यानी कि दम घुटने की वजह से हुई है। हालांकि राजनीतिक नेताओं और उनके प्रशंसकों ने विरोध प्रदर्शन किया और जांच की मांग की। भाजपा सांसद रूपा गांगुली और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इस बीच मुंबई पुलिस ने अभिनेता की मौत की जाँच भी शुरू कर दी है और दिवंगत अभिनेता की रूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली, महेश शेट्टी और टैलेंट मैनेजर प्रबंधक रेशमा शेट्टी जैसे कई बॉलीवुड हस्तियों के बयान भी दर्ज किए हैं। और नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।